ये दंगे भी ना बहुत अजीब है। कोई कहता है कि 1 लाख हिंदू मारे गए, कोई कहता है कि 1 लाख मुसलमान मारे गए, बस कोई ये नहीं कहता कि 2 लाख इंसान मारे गए, कहता ही नहीं है। वैसे जो मर गए वो किसके खाते में गए, मतलब शहीद हो गए कि कुत्ते बिल्ले की तरफ कत्लेआम कर दिए गए, वैसे कसूर क्या था? चंपूरों को, बच्चों को बीच रास्तों पे जला दिया गया, उनका कसूर क्या था? जिन औरतों की इज्जत की नीलामी बीच रास्तों पे हो गई, उनका कसूर क्या था? असल में क्या है ना, हम लोगों के आवामी बहुत अजीब है। किसी ने पिछवाड़े पे धर्म का तड़का लगाया नहीं कि निकल पड़ता है नंगी तलवार लेके। ये वही लोग हैं जिनसे अपना बोझ नहीं उठाया जाता। ये वही लोग हैं जो अमीरों के घर पे दिन ब दिन नौकरों की तरह काम करते हैं, तब सही नहीं निकलती इन लोगों की। पर भाई साहब, किसी ने धर्म के नाम पे कुछ बोल दिया ना तो निकल पड़ते हैं तलवारें बंदूक के लेके। अबे लालच है ऐसे धर्म पे। जब इस देश का बंटवारा हो रहा था ना, तब लोग चिल्ला रहे थे, कोई कह रहा था हिंदुस्तान जिंदाबाद, कोई कह रहा था पाकिस्तान जिंदाबाद, और इन चीखते चिल्लाते नारों के बीच कई सवाल थे। आम आदमी बैठ के सोच रहा है कि मैं अपना मुल्क कहूं तो किसे कहूं, तेरे आसपास ये जो लोग थर थर मर रहे हैं वो क्यों मर रहे हैं, और ऐसे तमाम सवालों के कई मुख्तलिफ जवाब थे। जवाब बहुत सारे थे। हाँ, एक हिंदुस्तानी जवाब, एक पाकिस्तानी जवाब, एक हिंदू जवाब, एक मुसलमान जवाब। लीजिए जवाबों का ढेर, हाजिर है आपके सामने। जैसा जवाब आप, कोई इसे 1857 के खंडरों में ढूंढता है, तो कोई इसे मुगलिया हुकूमत के मलबे पे जबरदस्ती टटोलने की कोशिश करता है। आसान भाषा में सब पीछे देख रहे हैं, और आज के कातिल लहू और लोहे से तारीख लिखते जा रहे हैं। ये मजमून सुनाते सुनाते मैं आप सबसे मार खा लूंगा, उफ तक नहीं करूंगा। पर अगर किसी हिंदू मुस्लिम फसाद पे कोई मेरा सर फोड़ दे, तो मेरी लहू की हर बूंद रोती रहेगी, चीख के चिल्ला के कहती रहेगी कि मैं सिर्फ एक आर्टिस्ट हूं, ओछे सखम फतेह खाओ माफ कीजिएगा, मुझे पसंद नहीं है।